बैक टू माई चैनल। आज मैं आपके साथ ये वाला मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ जिसको मैंने स्पेशली न्यूली मैरिड ब्राइड के लिए क्रिएट किया है। इस लुक को क्रिएट करने में मैंने जितने भी सारे प्रोडक्ट यूज़ करे हैं वो सारे ही प्रोडक्ट मैंने कफ्सनलैशेस से बाय किया था। अगर वो वाली हॉल वीडियो आपने नहीं देखा है जरूर चेकआउट करिएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट में पिन कर दूंगी। और ये जो वीडियो है फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो भी है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट मैंने उस हॉल वीडियो में आपको दिखाया है उसी प्रोडक्ट के साथ मैंने इस लुक को क्रिएट किया है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है या फिर इस लुक पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी वीडियो की रिक्वेस्ट या फिर सजेशन हो तो आप मुझे बता सकते हो। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है टोनर जो कि हेल्प्स गुडनेस के टोनर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सीरम जो कि है गुड बाइस के रोजिप सीरम, मेरे ऑल टाइम फेवरेट सीरम है। आपकी जो भी स्किन केयर हो आप वो वाली कर सकते हो, जैसे कि सीरम, मॉइस्चराइजर या फिर लोशन, जो भी आप अप्लाई करते हो आपकी स्किन टाइप के हिसाब से आप कर सकते हो। लेकिन आपकी स्किन जो है डीपली मॉइस्चराइज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपकी फाउंडेशन केक ही पैची लग सकती है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डायरेक्टली कंसीलर यूज़ करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी एस एफ आर कलर्स के हाइलाइटर। ये जो हाइलाइटर है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ से है और इसमें आपको 3 शेड मिल जाती है, जैसे कि आपके स्किन टोन के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि आपके अगर मीडियम स्किन टोन की हो या फिर येलो स्किन टोन की हो, आपकी जो स्किन के अंडरटोन जो है येलो है, तो आप इसमें एक कलर पा सकते हो जो कि मिडिल वाला है। अगर आपकी स्किन टोन मेरी टाइप की है थोड़ा सा व्हाइट, तो आपको व्हाइट कलर भी मिल जाएगी। अगर आपकी स्किन टोन थोड़ा सा डार्क है तो आपको ये वाली भी मिल जाएगी। अगर आप फाउंडेशन के नीचे फिर कंसीलर के नीचे कोई भी हाइलाइटर लगाते हो लिक्विड वाला हाइलाइटर, तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग ग्लो आती है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कोई भी फाउंडेशन अप्लाई नहीं कर रही हूँ, डायरेक्टली मैं यहाँ पे कंसीलर से इस मेकअप लुक को करने वाली हूँ। क्योंकि ये लुक जो है डे टाइम में आप कर सकते हो, डे टाइम में इतना ज़्यादा फाउंडेशन वगैरह अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से मैंने सिर्फ और सिर्फ कंसीलर लिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा सीयर टू मीडियम कवरेज देता है, इतना ज़्यादा हाई कवरेज की नहीं है। ये जो है 125 रुपीज़ का है और ये है ब्लू हेबिन के कंसीलर। और इसको जो मैं ब्रश आपको दिखा रही हूँ ये है कफ्सनलैशेस के ब्रश, उन्होंने उनके न्यू लॉन्च किया है ब्रश का और काफ़ी अमेजिंग क्वालिटी की है। ये जो है स्पेशली कंसीलर ब्लेंड करने के लिए ये ब्रश है और बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड करता है, आप देख सकते हो। और ये जो प्राइस है आई थिंक 175 या फिर 150, मुझे ठीक से याद नहीं आ रही है, आप वो वाली हॉल वीडियो जरूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगी। और काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लेंड भी कर रहा है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट मैं पूरी फेस को ब्लेंड करने के लिए यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर जो कि 20 समथिंग का। और ये बहुत ही अच्छी अफोर्डेबल प्रोडक्ट है और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल ब्यूटी ब्लेंडर जो है काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, 125 रुपीज़ है या फिर 99 रुपीज़ है, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पूरी फेस को सेट करने के लिए स्टिक करके लूज़ पाउडर। ये जो लूज़ पाउडर है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, बहुत ही लाइट वेटेड है, बहुत ही मैट बना देती है आपके फेस को और लॉन्ग लास्टिंग बनाती है आपके मेकअप को। क्योंकि अगर आपकी फेस स्वेटिंग की वजह से निकल जाती है तो आप डेफिनेटली ये लूज़ पाउडर ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कंट्रोल। कंट्रोल के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सेम हाइलाइटर पैलेट, उसी से ही मैं ये डार्क शेड पिक करूँगी। इसमें आपको थोड़ा सा चंकी ग्लिटर दिख रहा है क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा चंकी ग्लिटर है, लेकिन उसके नीचे बिल्कुल भी चंकी ग्लिटर नहीं है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सच बताऊँ तो 99 रुपीज़ में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे मेरे फेस को थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग कर लूँगी और उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रॉन्जर अप्लाई किया है, क्योंकि जो भी आप क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करते हो स्वेटिंग की वजह से वो निकल जाती है, इस वजह से आप डेफिनेटली कोई पाउडर प्रोडक्ट उसके ऊपर अप्लाई करो। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे आई शेडो के लिए यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी के आई शेडो पैलेट, उसी से मैंने एक रस्टी ऑरेंज कलर लिया है क्योंकि मैं एक रेड कुर्ती पहनने वाली हूँ। आप चाहो तो इस लुक को साड़ी के साथ भी क्रिएट कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर रेड कुर्ती के साथ क्रिएट किया है। नेक्स्ट मैं सेम कलर की सिमर पिक किया है और उसी को पूरी आईलेट के ऊपर लगा लिया है, लेकिन मुझे ये कैमरे में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि कैमरा जो है ना अच्छी क्वालिटी की ग्लिटर या फिर सिमर को पिक नहीं कर पाती है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ग्लिटर अप्लाई किया है थोड़ा सा, आप देख सकते हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मस्कारा। मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी के मस्कारा। ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि बहुत ही वाटरी है, अगर आप लगाते हो और थोड़ा बहुत ऊपर लग जाते हैं, क्योंकि मेरी जो आईज़ है हुडेड आईज़ है, कुछ भी लगाऊँ तो थोड़ा बहुत ऊपर लग ही जाता है और आई लुक बिल्कुल ख़राब हो गया था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लश। ब्लश के लिए मैंने यहाँ पे एस एफ आर कलर्स के स्टिक क्रीम ब्लश यूज़ किया है जो कि बहुत ही अमेजिंग है और ये भी 99 रुपीज़ है, क्योंकि कफ्सनलैशेस पे आपको 100 रुपीज़ के अंदर 150 के अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल जाएगी। आप डेफिनेटली एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही अच्छे लगने वाला है। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे आईब्रो को फिल करने के लिए स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ जो कि 39 रुपीज़ ओनली, और ये है डार्क ग्रे करके उसका जो शेड नाम है। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ सेम हाईलाइटर।
और मेरे जहाँ पे भी हाईएस्ट पॉइंट पे मैं यूज़ कर लूँगी। और नेक्स्ट मैं ये लिपस्टिक के लिए यूज़ कर रही हूँ, ये है एडीएस की लिप ग्लॉस, लेकिन ये लिप ग्लॉस का काम बिल्कुल नहीं करता है, ये मैट लिपस्टिक की तरह ही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है, लिप्स के ऊपर लाइट वेटेड है, बहुत ही अमेजिंग लगा। और ये सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ का है गाइस, और क्वालिटी अमेजिंग है, डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप जाके एक कफ्सनलैशेस ट्राई करो, चेक करो, आपको उनकी ऐप भी मिल जाएगी और वेबसाइट भी मिल जाएगी। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे आईलाइनर के लिए यूज़ कर रही हूँ, एनओबी की आईलाइनर जो कि सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ की है। और यहाँ पे मैं काजल लगाना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे कलरफुल काजल काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे मैं न्यूली लॉन्च स्टेकोर की काजल यूज़ कर रही हूँ। उसका रिव्यू मैं कल आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर दूँगी, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और रिव्यू वीडियो जरूर देखिएगा। सो हियर इज़ माई फाइनल लुक। यहाँ पर मैंने एक बिंदी लगाया है, सिंदूर लगाई है, एक बड़ा सा झुमका, और क्योंकि मुझे बड़े वाली ईयरिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर मैंने लैसेस लगाया है, क्योंकि मेरी मस्कारा इतना खास नहीं था इस वजह से। आप चाहो तो मस्कारा को अच्छी मस्कारा लगा के लैसेस को स्किप कर सकते हो, जैसे कि मेबलिन की मस्कारा बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, लोरियल की मस्कारा आप यूज़ कर सकते हो जो कि बहुत ही अमेजिंग है और अफोर्डेबल प्राइस है, 500 रुपीज़ की है। सो या हियर इज़ माई फाइनल लुक। आई होप आपको ये लुक पसंद आ रही होगी, क्योंकि मुझे ये लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कभी कभी मुझे लगता है कि ओ माय गॉड, मुझे मैंने इतना अच्छी क्वालिटी की